हाय फ्रेंड, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो विषय है वह है लक्ष्मी कमल का पौधा। तो आप फ्रेंड मेरी वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करें, वीडियो पूरी देखें, आपके काम आने वाली है। लक्ष्मी कमल का पौधा आपको दीपावली से पहले ख़रीदना है, बहुत ही शुभ माना जाता है। लक्ष्मी कमल और ब्रह्म कमल का पौधा अगर आप अपने घर पर खरीदते हैं तो माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा हमेशा बनी रहेगी। यह लक्ष्मी कमल का पौधा है, इसकी ओरिजिनल की पहचान है। जो गुलाबी पत्ती होती है वह ओरिजिनल है, जो थोड़ा सफ़ेद होता है वह थोड़ा सेकंड है। तो अगर आपको लक्ष्मी कमल का पौधा चाहिए तो यह वाला पौधा आप ज़रूर ख़रीदें। यह ऑनलाइन भी आप इसे मंगा सकते हैं, यह मात्र आपको 60 रुपये का मिलेगा। लक्ष्मी कमल का पौधा लाने से पहले आप उसको अपने घर के मंदिर में जहाँ आप पूजा करते हो वहाँ पर रख दें और माँ लक्ष्मी की आप पर हमेशा कृपा बनी रहेगी। आपको ध्यान रहे इसमें पानी की मात्रा कम दें, हफ्ते में एक बार ही पानी दें। और इसकी खास बात है जो इसमें बेबी प्लांट निकलती हैं उससे नए पौधे तैयार हो जाते हैं, आप उनको किसी को नहीं दें। लक्ष्मी कमल का पौधा आप जब भी खरीदते हैं सबसे पहले उसमें गंगा जल का छिड़काव कर दें, फिर अपने मंदिर में या कहीं भी रख दें। और आपको ध्यान रहे इसे साफ सुथरे हाथों से ही छुएं, इसे बिल्कुल यानी कि कुछ खाया पिया गंदे हाथों से नहीं आपको छूना है। यह पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है। अब हम आपको दिखाएंगे, ये देखो ये भी लक्ष्मी कमल का पौधा है, ये थोड़ा सफ़ेद रंग का पौधा है। मैंने जो आपको दिखाया वो रेड रंग का लक्ष्मी कमल का पौधा है, आप इसे ऑनलाइन बहुत आसानी से खरीद सकते हो। फ्रेंड आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो भाई नए मेरी वीडियो देख रहे हों और जो नए जुड़े हैं वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी प्रकार मैं वीडियो लाता रहता हूं और आप देख रहे हैं ये बहुत ही सुंदर पौधा होता है। जैसे ब्रह्म कमल का पौधा होता है ऐसे ही है, बहुत ही सुंदर पौधा होता है। इस पौधे को भी आप उगा सकते हैं, यह पौधा बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। ये भी आपको 60 या 70 रुपये का ऑनलाइन मिल जाएगा। यह पत्ती से ही पौधा आपके यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको दीपावली से पहले जो मैंने आपको पौधे बताए, लक्ष्मी कमल, ब्रह्म कमल, विष्णु कमल और बैम्बू प्लांट का पौधा, यह आपको अपने घर पर ज़रूर लाना है। इनसे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जब माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी तो हमारे घर में खूब धन लक्ष्मी आएगी और हम पर धन की कमी नहीं रहेगी। तो फ्रेंड आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो भाई नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आप हम दिखा रहे हैं लक्ष्मी कमल का पौधा, जो कि ये वाइट लक्ष्मी कमल का पौधा हमने बेबी प्लांट लगाया था। यह इस तरह से बहुत ही सुंदर लगता है। ये छोटे छोटे हमने एक ही पौधे से नए नए बेबी प्लांट बना लिए हैं। तो फ्रेंड आशा करता हूँ माँ लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा करें। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।